बहुत बहुत लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी सुप्रीमो, पूर्व रेलवे मंत्री को चारे घोटाले में सजा हुई और सजा 3.5 साल की और साथ साथ 5 लाख जुर्माना। इनके अलावा जो दोषी पाए गए फूलचंद, महेश प्रसाद, बांके जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजाराम को भी 3.5 साल और 5 लाख कैद की सजा। लालू यादव को पहले भी सजा मिल चुकी है और भी अभी कई सारे मामले हैं जिसमें कि सजा होना है, सुनवाई जारी है। कुल मिलाकर के बिहार के सियासत में या देश के सियासत में लालू प्रसाद यादव आलू के तरह रहे हैं, हमेशा रहे हैं। पिछले 20-25 सालों से मंडल कमीशन के लागू होने के बाद मंडल के सियासत में बिहार में चैंपियन के रूप में, पिछड़ों के चैंपियन के रूप में उभरे और पिछड़ों के चैंपियन रहते रहते वो फिर यादव के चैंपियन बन गए, यादव चैंपियन, फिर मुस्लिम चैंपियन। कई सारे लोग जो लालू यादव के साथ थे वो अलग होते गए, लेकिन लालू यादव लगातार जमीन से जुड़े रहे, जमीन पर उनकी पकड़ बनी रही। सत्ता में भले सत्ता से बेदखल हो गए हों, लेकिन जो आखिरी चुनाव बिहार में विधानसभा का भी हुआ, उसमें भी उन्होंने नीतीश कुमार को आगे करके कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक सत्ता की खिचड़ी उन्होंने पकाई। हालांकि नीतीश कुमार बाद में उनसे अलग होकर भाजपा में चले गए। कुल मिलाकर के बिहार के सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा, देश के सियासत पे क्या असर पड़ेगा, सियासत में जो सियासी भ्रष्टाचार है उस पे क्या असर पड़ेगा, क्या भ्रष्टाचार पे कोई असर पड़ना है, क्या भ्रष्टाचार इसके बाद रुकेगा। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं और जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, और ये कम नेता नहीं है, बहुत। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को सजा मिलने के बाद बिहार की सियासत और देश की सियासत में क्या भ्रष्टाचार यहां से खात्मे की शुरुआत हो रही है, या सिर्फ जो पकड़े गए वही चोर हैं, जो बाकी हैं वो बेदाग हैं। डॉक्टर रामसागर जी, नहीं, बेदाग तो ये भी बेदाग नहीं है, और जो आगे भी जो जिस तरह के लोग आएंगे उनको भी सजा मिलना तय है। बेनामी संपत्ति का जब से हो गया है, और ये अकेले नहीं है, ये अपने पूरे परिवार को उसमें शामिल कर लिए हैं। आज ही शैलेश जी, इनके दामाद का भी और मीसा भारती का भी आज ईडी में फ्रेम चार्ज हो गया है। तो ये अकेले रहते ये अपने पूरे कुनबे को लेकर के कूद गए हैं, और इनका आज से नहीं बल्कि जब ये छात्र आंदोलन में थे, छात्र संघर्ष समिति का 1 लाख रुपया ये घोटाला कर लिए थे और जयप्रकाश नारायण जी इनको चैम्बर से बाहर कर दिए थे एक मीटिंग में, उसी 1 लाख के घोटाला के चलते हिसाब नहीं दिए थे ये, उस जेपी आंदोलन के टाइम में भी ये किए थे। इनका उसी समय से कलाकारी सामने दिखाई पड़ रहा था। आज ही चर्चा हो रही थी, जो छात्र आंदोलन के नेता थे उन्होंने कहा कि ये तो 1 लाख रुपया उस समय भी घोटाला कर लिया था, हिसाब नहीं दिया था तो जयप्रकाश जी चैम्बर से बाहर, मीटिंग से बाहर कर दिए थे कि जाओ बाहर। आप ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत है और भी लोग आएंगे। हाँ, और भी लोग पकड़े जाएंगे निश्चित रूप से। उपेंद्र जी, जो मेरा सवाल है, लालू या प्रसाद यादव को तो चलिए सजा हो गई, जो भी भ्रष्टाचार है उसमें सजा उनको मिली है, लेकिन अगर राजनेताओं की लिस्ट हम देखें तो शायद आपको जो विधायक बनते हैं, जो मुखिया बनते हैं, जो सरपंच बनते हैं, जो एमपी बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप किसी की भी प्रॉपर्टी का लिस्ट उठा के देख ले, जिस तरह से उन्होंने पूरे जीवन में प्रॉपर्टी बनाया है, लालू यादव तो कहीं उनके आगे टिकते नहीं है। तो लालू यादव पकड़े गए और लालू यादव को सजा हुई। ईमानदार लोग भी हैं, नहीं, जो सियासत में ज्यादातर लोग जो है, कितने 2G ए राजा को सजा नहीं, बिल्कुल बेदाग निकले। सीडब्ल्यू जी होगी और एक नहीं, जीप घोटाले से लेके इस देश में घोटालों की फहरिस्त है। मेरा सवाल यह है कि जो पकड़े गए वही चोर है, जो नहीं पकड़े गए हैं वो तो बिल्कुल नेतागिरी उनकी जारी है, वो तो एकदम ईमानदार नेता है आज के दिन में। हमारे व्यवस्था की विफलता है कि सारे के सारे भ्रष्ट लोगों को हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये हमारी विफलता है। लेकिन कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं तो उनको हम इस तरह से नहीं, बचाव नहीं कर सकते। मान लीजिए 5 पकड़ा गया
और 95 नहीं पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया उसका हवाला दे करके हम पांच लोगों के साथ सहानुभूति, तो इसी नहीं सहानुभूति नहीं, जो जो बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिए वो कुछ भी झेल तैयार है, तो ठीक है तो झेले ना, सामाजिक न्याय के कारण थोड़ा उनको सजा मिली है। इसमें सामाजिक न्याय कहां से आ गया? इसमें सामाजिक न्याय के कारण तो कोई सजा मिली नहीं है जी, उन पर आरोप लगा। तो लालू जी क्यों कह रहे हैं इस बात को? अरे भाई तो गलत कह रहे हैं ना भाई, वो खुद मुख्यमंत्री थे इस समय, इन पर जांच चल रही थी उस समय, इनकी सरकार थी केंद्र में भी, देवगौड़ा को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया था, ये बोलते थे कि हम किंग मेकर हैं, पूरे लालू यादव उसमें किंग मेकर के रूप में देश भर में जाने जाते थे, तो जब इनको लग रहा था कि गलत मुकदमा हो रहा है तो रोकना चाहिए था इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, लालू यादव देवगौड़ा की सरकार को, उनको गिरा देना चाहिए, तो अध्यक्ष भी थे पार्टी के, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिस समय इन पर जांच चली थी और चार्जशीट किया गया था इनको, जब चार्जशीट तैयार हुआ तो जनता दल के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्यों नहीं आदेश दिया इंद्र कुमार गुजराल को कि भाई ये क्या हो रहा है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो मेरे खिलाफ, उसमें तो आरोप लगाया नहीं इन्होंने कि हमारे खिलाफ गुजराल की सरकार या देवगौड़ा की सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके हमको फ्रेम कर रही है, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट हो दीजिए। तो है कि अब चूंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, लोग पुरानी बातों को भूल गए हैं, आप सामाजिक न्याय के मसीहा बन जाइए, मैं आपको क्यों नहीं बोले कि हम लालू यादव ने, मैं आपके पास आता हूँ गोयल साहब, लालू यादव ने एक ट्वीट किया कि फॉलो अस और वी विल फिक्स यू, बीजेपी के रादर देन प्रैक्टिसिंग बीजेपी सिंपल रूल, फॉलो अस वी विल फिक्स यू, आई विल डाई हैप्पीली फिक्सिंग माई सेल्फ फॉर सोशल जस्टिस हार्मनी एंड इक्वालिटी, सामाजिक न्याय के लिए, सद्भाव के लिए और बराबरी के लिए वो लड़ते रहेंगे, बीजेपी का जो रूल है, या तो तुम मेरे साथ हो नहीं तो तुमको हम फिक्स कर देंगे। देखिए लालू प्रसाद जी, अगर आज देखा जाए जो भी डिसीजन आया है सरकार का, इसके अंदर सबसे बड़ी कमी हमारे देश के अंदर क्या चल रही है, न्यायालय का डिसीजन जो है जी, न्यायालय के अंदर जो चल रहा है, न्यायकरण में सुधार की बहुत आवश्यकता है। आज जिस हिसाब से 30-35-33 साल हो जाते हैं, किसी भी घोटाले के अंदर डिसीजन नहीं आते हैं, आज उन डिसीजनों को फास्ट ट्रैक पे लाना पड़ेगा, देश के अंदर भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। जो लालू जी ट्वीट कर रहे हैं, मैं समाज के साथ हूँ, आज आप देखिए वो कौन सी पोस्ट पे नहीं है जब से उन्होंने घोटाला किया है, समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप ये उनसे पूछिए। चलिए अवधेश जी के पास जाना चाहता हूं। वो तो पैसा भी खाए सामाजिक न्याय में आने वाले जातियों का ही, मुर्गी कौन चढ़ाता है, पशु कौन पालता है, न्यायकरण में सुधार की आवश्यकता है। नहीं नहीं, वो तो सारा पैसा उसी वर्ग के लोगों का जो पैसा था पशुपालकों का, उसका वो खाए हैं, ये सामाजिक न्याय की कहां बात कर रहे हैं? अवधेश जी, जो सीबीआई के जो ऑफिसर थे वो दलित वर्ग से आते थे, मैं आपके पास लौट के आता हूं। ये जात पात या सामाजिक न्याय का बात कहां ये ला रहे हैं? लालू यादव वो सजा उनको भुगतना है, चोरी तो यहां बहुत लोग कर रहे हैं, पकड़े बहुत कम लोग जा रहे हैं। लालू यादव जो कह रहे हैं, चिट्ठी लिखा है उन्होंने कि आप सबों के नाम, उन्होंने बिहार की जनता के नाम एक खत लिखा है कि आप सबों के नाम ये पत्र लिख रहा हूं और याद कर रहा हूं कि अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ अपने सफर को सोच रहा हूं कि अपने दलित पिछड़े और अत्यंत पिछड़े जनों के बाकी बचे अधिकारों की लड़ाई को। इतिहास गवाह है कि मनोवादी सामंतवाद की शक्तियां कहां कहां और कैसे सक्रिय होकर न्याय के नाम पे अन्याय करते आई है। शुरू से ही इन शक्तियों को हजम नहीं हुआ कि एक पिछड़े गरीब घर का बेटा दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बने, यही जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ हुआ। क्या वो जेल चले गए थे? जेल से चिट्ठी लिखी अवधेश जी, इनको मुख्यमंत्री बनाने में कैलाशपति मिश्रा जी का बहुत बड़ा हाथ था। अवधेश जी से, जिस समय ये मुख्यमंत्री बने थे कैलाशपति मिश्रा जी समर्थन दिलवाए थे भाजपा का। कर्पूरी ठाकुर के पैर की तो जूती भी नहीं होंगे। ये कर्पूरी ठाकुर जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय जो उनके उनके पत्रकार लोग उनके घर में गए और उनके घर में जांता देखा चलता हुआ और उसी के छोटा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता हुआ देखे, ये तो कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था? ये तो ये देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि वो जेल में है ना, वो ट्वीट कर सकते हैं ना अपने से पत्र लिख सकते हैं, तो चाहे तो उनके लोग हैं वो इन चीजों को उनके नाम से फैला रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तेजस्वी यादव ने कहा कि उस संदेश को हम देश तक मकर संक्रांति के बाद ले जाएंगे। ये दरअसल अपने पाप को छिपाने के लिए और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक निहायत ही घृणित रणनीति है। अभी भी अपना पाप और अपराध
करने की बजाय आप ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की जांच व्यवस्था सब जात के आधार पर चलती है, तो आखिर ये राजा जो है किस जाति के थे जो अभी कुछ दिन पहले छूटे हैं, और इन्हीं के केस में जो 6 लोग पहले बरी हुए उनमें पिछली जाति के लोग भी थे, निषाद जो, जो 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 लोग उसमें से छूटे थे, और आज भी जो सजा हुई है उसमें उच्च जाति के ही 2-3 लोग ऐसे हैं, ज्योति झा, जगदीश शर्मा, जिनको 7-7 साल की सजा हुई है। इसलिए ये तो बिल्कुल पहले बात तो ये है कि ये कहना ही गलत है और इन न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाना है। दूसरी बात जो उपेंद्र जी कह रहे थे उसको थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है। जिस समय ये मामला सामने आया 1996 में, उस समय प्रदेश में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने बता ही दिया कि वो जनता दल के अध्यक्ष थे। जब 1997 में चार्जशीट दाखिल हुआ उस समय उनकी सरकार थी, केंद्र में प्रदेश में उनकी सरकार थी। उसके बाद देखिए जब चार्ज गठन हुआ है 2005 में तो वो स्वयं केंद्र में मंत्री थे। तो इसलिए यह कहना कि कोई किसी ने साजिश के तहत फंसा दिया और सारा कुछ कर दिया, आखिर उसके एक एक प्रमाण है कि किस ढंग से जो है एक एक ट्रेजरी से 10-10 हजार करके पैसे निकाले गए, कैसे कैसे निकाले गए, कितने का था, उसको गलत ढंग से आवंटन किया गया, ये सारा पाप उन्होंने किया है। तो इसलिए आज अगर वो सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा अपना मानना तो यही है कि बिहार की जनता को या कोर्ट ने भी पता नहीं कैसे 5 लाख का जुर्माना किया है। पहले तो वो सारे जितने इसमें दोषी हैं उन सबसे वो 950 करोड़ रुपया और सूद के साथ वापस होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय अपना चिल्लाते रहे और बाकी लोग क्या है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि जेपी आंदोलन का इतना प्रमुख छात्र नेता जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा करके यहां तक पहुंचा था, सामाजिक न्याय का मसीहा बना था, वो आज भ्रष्टाचार का में लिप्त, भ्रष्टाचार की भ्रष्टा स्वयं इतना बड़ा भ्रष्टाचारी साबित हुआ और अब तो ये चारा घोटाला तो हो गए। लेकिन कई लोग हैं जो साबित नहीं हुए, जो धनपति बहुत सारे बने हुए हैं। नहीं नहीं, ये सवाल कर रहे हैं वो एक अलग पक्ष हो जाता है। लालू यादव सामाजिक न्याय के नाम पर आने के बावजूद, भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई लड़ने के कहने के बावजूद एक भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं। आज का सत्य है नहीं पकड़ में आया। देखिए देश की राजनीति राजनेता नौकरशाह पूंजीशाह ये और बड़े कुछ बड़े पूंजीशाह राजनेता नौकरशाह ये तीनों जो है इनके एक दुर्भिष संधि है, उसमें भ्रष्टाचार तो होता ही है। सरकारी कर्मचारी हैं, नेता हैं, वो करते हैं किसका कौन तो पकड़ में आता है नहीं वो आता करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन तो लालू उसके आधार पर दिलीप जी उसके आधार पर हम लालू यादव को तो नहीं ना माफ कर सकते हैं कि भैया दूसरे नहीं पकड़ा ये पकड़ा गए। अरे आपने भी तो किया था, एक नहीं पकड़ में आया है इसका मतलब दूसरा सही नहीं हो सकता है। लालू यादव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि देश में अंग्रेजी मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक जिसको कि एक एक पिछड़ों का एक एक एक, एक सामाजिक न्याय का मसीहा और एक एक फोटो छपती थी अमेरिका से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में कहां कहां कि ऐसा व्यक्ति एक मुख्यमंत्री बना है जो कि बिल्कुल सामाजिक न्याय ला रहा है और सब कुछ कर रहा है, उस व्यक्ति का इस ढंग से भ्रष्टाचार में फंसना और उन्हीं लोगों का हक मारना जिसके नाम पर राजनीति कर रहे थे, इससे शर्मनाक, इससे घृणित और इससे डूब मरने वाली बात और क्या हो सकती है उस व्यक्ति के लिए। और निर्लज्जता पूर्वक आज इसको सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं, कल जयप्रकाश नारायण का नाम लेंगे, क्या शर्म का विषय है ये। जिस कर्पूरी ठाकुर को ये कपटी ठाकुर कहा करते थे, मैं आपको उनको बेइज्जत किया करते थे, कर्पूरी ठाकुर को बेइज्जत किया करते थे, ये कपटी ठाकुर का एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये असामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो लोग सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं उनको फंसाया जाता है, उनके खिलाफ साजिश किया जाता है और उनको फंसा करके इस तरह से किया जाता है, उसमें न्यायालय नहीं, वो कह रहे हैं सियासी साजिश, और वो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जैसे जो सामाजिक या राजनीतिक और संगठन है उनके ऊपर लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कहीं है नहीं, जब ये फंस रहे थे तब तो अवधेश जी भी विस्तार से बताए कि किसकी किसकी सरकार थी। ये देवगौड़ा को कहते थे मैंने प्रधानमंत्री बनाया, गुजराल को कहते थे मैं प्रधानमंत्री बनाया, तो फंसे तो उस पीरियड में ये फंसे, इसलिए उसकी बात। और दर्जनों आईएस सजावार हुए हैं, कोई एक दो नहीं, 18 हाल के दिनों में हुए हैं सजावार। 104 लोगों को इस मामले में सजा हो चुकी है, मैं आज को माइनस कर दीजिए तो पूरे मामले में 1404 लोगों को सजा हुई, कुल 54 मामले थे जिसमें 47 मेरा जो इसमें भी सजा पाने वाले ढेर सारे आईएस सजा पाए हैं।
इसलिए केवल इन लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? जो लालू जो गलत काम करेंगे वो फंसेंगे, वो जाएंगे जेल। गलत काम तो बहुत लोग करते हैं सारे। आप एक बात बताइए मुझे, राजनेताओं की मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राजनेताओं जो एमएलए विधायक एमपी बन जाते हैं उनके प्रॉपर्टी में किस तरह का इजाफा होता है ये आपको भी पता है? 80% लोग, 20% ईमानदार भी है तो 80% तो है जो जिनका अकूत संपत्ति जो करते हैं, ये बात आप मानते हैं? उसमें से 1% को भी सजा नहीं हुआ? ये तो आप लालू यादव को बचा देंगे? नहीं नहीं, मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ। तो दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो और बेहतर तरीके से पता है कि कैसे 3 साल में ही 16,000 गुना अधिक संपत्ति बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आपको ये पता होगा कि कैसे इतना। मैं दूसरा, मैं अच्छा, एक्सपर्टीज कांग्रेस को घोटाला का और पता पता बीजेपी को हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी की खास बात है सोनिया जी बेल पर कि व्यापक घोटाला नहीं दिखता है उनको, सृजन घोटाला नहीं दिखता है उनको, बिहार का शौचालय घोटाला नहीं दिखता है उनको, छत्तीसगढ़ का घोटाला नहीं दिखता उनको, राजस्थान का घोटाला नहीं दिखता है। तो इनका अपना एक चश्मा है जिससे ये देखना चाहते हैं वही दिखता है। लालू यादव जी 2014 में तो ये लोग लोकसभा के चुनाव में प्रमुख मुद्दा लेकर आए थे भ्रष्टाचार का, आज तक क्यों नहीं लोकपाल ये बना लालू पाए? लालू गए नहीं, लालू मिली आज तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाए? सवाल लोकपाल, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के भी इतने सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कितने लोगों ने पैसा बनाया है सबको पता है कि जिनकी कोई किसी तरह की बिसात नहीं थी, और ये तमाम पार्टियों में है। मेरा जो सवाल था, अवधेश जी कह रहे हैं आप लालू जी को बचाने, मैं सवाल लालू जी का नहीं, लालू जी ने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल से आगे भी एक सवाल है कि चलिए लालू ने भ्रष्टाचार किया, लालू को सजा मिली, लालू प्रक्रिया से सजा मिल गई, लेकिन जो तमाम भ्रष्टाचारी राजनेता हैं, जो जिसकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, नौकरशाह और पॉलिटिशियन और इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया से लेके तमाम जगह पे भरे हुए हैं लोग, तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है वो लालू और लालू जैसे कुछ सैंपल्स तक सीमित रहेंगे या इसका बियॉन्ड भी चीजें जाने वाली है? उपेंद्र जी, ये जो सैंपल्स हैं इसी सैंपल्स को हम लोग देख के संतुष्ट कर लें या जो एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेक्सस है उस पर भी हमला होगा? अभी देखिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात चली है कि जो एक साल के अंदर जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो सिर्फ पॉलिटिकल जो उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, नहीं अगर उस पर भी अगर किया जाए तो उसका असर पड़ेगा दूसरी तरफ, वो अगर एक साल के अंदर 1000 लोगों को 1400 या 1500 उसमें है सब पर मुकदमा चले, हो सकता है उसमें 60% 70% एक तिहाई 60% भी उसमें कन्विक्टेड हो जाते हैं तो उसे पूरे देश में एक माहौल होगा। देखिए अभी क्या है देश में, माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो बहुत मजबूत लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनको सजा दी जा सकती है। तो ये जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है वो हटना ज्यादा जरूरी है, वो जब तक नहीं हटे वो हटता है यहाँ से। हाँ, तो वो लालू को सजा होने से हटता है नहीं, उसमें और ज्यादा लोगों को सजा होनी चाहिए। अगर लालू को भी सजा नहीं होती तो और बैठ जाती, जैसे कि सलमान का मामला हुआ, कुछ और मामले हुए जिससे लोगों का विश्वास टूटता है। आप विश्वास टूटने का लोग और क्राइम को लालू का सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। तो मैं आपको लालू भी अगर बच जाते तो लोगों का और विश्वास उठ जाता। ढेर सारे कुछ गिने चुने जयललिता, कुछ गिने चुने ढेर सारे नहीं, कुछ गिने चुने नेताओं को, जयललिता जेल में बहुत गिने चुने नेताओं को सजा मिल रही है। मेरा सवाल लाल को भी तो, सुखराम को भी तो सजा हो चुकी है, सुखराम को भी सजा मिला, पूर्व मुख्यमंत्री सजा पाने सुखराम है, मैं वही कह रहा हूँ, प्रकाश चौटाला है, प्रकाश चौटाला भी जेल में ही है, सुखराम ने भी सजा भोग ली है, मैंने कुल मिलाकर के 10 भी नहीं होंगे, 10 नहीं ज्यादा, कुल मिलाकर 10 राजनेता ऐसे नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है जो मैं पूछ रहा था आपसे कि ये सैंपल साइज लेके ही हम बात करते रहेंगे या सैंपल के बियॉन्ड जो करप्शन है समाज में आंदोलन हो, समाज के इसको लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को सजा मिले, इसके लिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज में फिर से अन्ना आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी तरह से एक आंदोलन होना चाहिए। उस आंदोलन का तो परिणाम हमने देख लिया, वही वही केजरीवाल राज्यसभा का टिकट बेच रहे हैं। ये भी हो तो ये जो हो रहा फैसले आ रहे हो सकता है इस पर भी असर होगा आंदोलन का, ऐसी बात नहीं, आंदोलन के अच्छे असर भी पड़े हैं। और मान ली एक आंदोलन फेल हो गया है तो इसका मतलब नहीं कि हम दूसरा आंदोलन नहीं करें। जयप्रकाश आंदोलन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, वो फेल हो गया। बीपी सिंह ने जो आंदोलन चलाया था बोफोर्स वगैरह के नाम पर, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, उसका भी रिजल्ट हमने ठीक नहीं देखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना बंद कर दें। अन्ना का आंदोलन हुआ, आप कहेंगे यहाँ भी निराशा हाथ लगी, तो सवाल लालू यादव के खिलाफ मामले थे, आरोप थे, आरोप साबित हुए, उनको सजा मिली। सवाल ये है कि बियॉन्ड सैंपलिंग कब निकलेंगे
सवाल यह है कि और अगर सैंपल्स को लेकर आप सिर्फ काम करेंगे तो लालू यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको सीबीआई का डर दिखाया जाता है, उनके बच्चों को सताया जा रहा है, सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए पूरा मामला ट्रांसपेरेंट है, दिलीप जी वो साफ दिखलाई पड़ रहा है कि उनके बेटे के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई, वो क्या काम करता था। तो ये जो मामला इतना ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी बोलता तो लोग कहता कि नहीं देखो इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके बैंक में 1,000 रुपये नहीं है और इस पर 4 करोड़ बेईमानी का आरोप लग दिया। तो जो कुछ भी हो रहा है इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि उनकी बात को लोग झूठी मानेगा। जो मोटिवेटेड लोग है वही के वही लालू के साथ सहानुभूति रख सकता है, क्योंकि सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास 8,000 करोड़ कोई मामला है उसमें उनकी उनकी बेटी दामाद इन्वॉल्व है, तो हजारों हजार करोड़ रुपए कहां से आ गए, कौन सा इंडस्ट्री आ रहा था, कौन सा बिजनेस था, आप कौन सी नौकरी करते थे, क्या करते थे। बेटा जो 10वीं फेल बेटा है, जो कि एक हमने लगता है कि अब चपरासी की भी कम से कम मैट्रिक हो गया होगा, या जो क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है उसमें भी क्लास 10th का मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, उसकी योग्यता नहीं रखता है जो लड़का है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला कहां से आ गया। हाँ तो ये सब तो इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ऐसे तो कई लोग हैं, ऐसे तो कई लोग हैं देश में, नहीं तो सब लोगों को पकड़ना चाहिए। ये है जो कि लालू का मामला है, इसको एक ग्राउंड बना करके कोशिश की जानी चाहिए, जो भी समझदार तबका है सोसाइटी का, जो भी सब समाज के लोग हैं, जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो लालू के मामले को पकड़ करके करना चाहिए कि और भी लोगों को पकड़ो, लेकिन उसके कारण लालू को डिफेंड करना, ये हमें लगता है कि समाज को पीछे की ओर ले जाना, ये प्रतिगामी कदम है, ये कोई सब, सब समाज है, ये असल समाज ऐसा कर सकता है। नहीं, लालू को आप डिफेंड ना करें, लेकिन बाकी जो है सिर्फ लालू को मैंने जो उस पर अवधेश जी के पास जो दूसरा दौर है हमारा जिसपे हमें जाना है कि यहां से अगर हम देखें लालू को डिफेंड ना करें, लालू का जो लालू की जो सियासत रही है, लालू की जो बिहार में जो उनका सियासी वर्चस्व रहा है, इस एक के बाद ये दूसरा मामला था, और भी मामले हैं अवधेश जी, तो क्या यहां से लालू की पार्टी के लिए बिहार, पहले तो बिहार के सियासत में या देश के सियासत में इसका क्या असर आप देखते हैं, सिंपल सर, क्या देश के? देखिए तत्काल तो कोई असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस समय तत्काल कोई चुनाव नहीं है, ना बिहार में है ना केंद्र में है, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव है। अगर लालू यादव उस समय तक जेल में रहते हैं, क्योंकि ऐसे भी वो 5.5 साल के लिए तो वो चुनाव लड़ने का योग्य करार दिए जा चुके हैं, तो 2019 और 2024 तक तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, लोकसभा का या विधानसभा का किसी का, तो उनका राजनीतिक जीवन जो है चुनावी दृष्टि से तो खत्म हो गया है उनका निजी रूप से, वो तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर उनको ऊपर 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 के कोर्ट से अगर उनको राहत मिलती तो है तो फिर एक में ना मिलेगी, अभी 3 मामले और आने हैं, वो होते होते इतना समय लग जाएगा, मार्च तक तीनों लग जाएगा। अभी अभी उनका उन पर अभी देखिए कुल उन पर 6 मामले थे, जिस पर 2 पर अभी सजाया, 4 और मामले हैं जिसमें 3 झारखंड में 1 बिहार में है, और सबसे बड़ा मामला जो डूरन कोषागार का है 184 करोड़ का, वो सबसे बड़ा मामला है जो अभी जिसमें अभी उनको सजा होनी है उसमें भी। तो मुझे लगता है कि अब ये सब अलग अलग केस है, इसलिए एक साथ तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा आपके, आपको सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना है, तो वहां तक तो हो गया। देखिए मुझे जो लग रहा है कि ये बात पहले समझने की जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव को दरअसल बिहार की जनता ने पहले नकार दिया था। तो आपको मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि 2005 के विधानसभा चुनाव 2 चुनाव हुए, 1 फरवरी में हुए, 1 अक्टूबर में हुए, दोनों में वो बुरी तरह हारे 2 चुनाव। उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आप देखें कि लगातार उनका फिर भी बना हुआ था, बुरी तरह हारे, बुरी तरह। 2010 के विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरह हारे, 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे, तो 5 चुनाव में तो जनता ने उनको नकार दिया था। 2015 का चुनाव एक विशेष परिस्थिति में हुआ, और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की राजनीति को जिंदा कर दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान की राजनीति को जिंदा कर दिया, ये दोनों नेताओं को बिहार ने नकार दिया था। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं जल्दी से कि इसके उनके जेल जाने का कोई असर नहीं हो, अगर वो जेल में लंबा रहते हैं तो उनकी पार्टी टूट सकती है। चुनाव के समय कम से कम यह संभव है कि लोग दूसरे दल का भी रास्ता देखें, कुछ नया दल बना ले, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन एक एक जो लालू प्रसाद यादव की एक जो क्षमता थी,
वो बिहार से लेके केंद्र में गैर भाजपा दलों के अंदर सरकार बनाने की तोड़वाने की, वो तो कम से कम स्थिति खत्म हो गई, क्योंकि उनके अंदर अपना वो नैतिक बल नहीं रहेगा चाहे जितना चिल्ला लें। और दूसरे लोग भी न्यायालय के फैसले को देखने के बाद ये नहीं मान सकते हैं कि नहीं नहीं लालू यादव बहुत 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 सदाचारी और बाकी सामाजिक न्याय के मसीहा है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य पर तो मुझे बहुत बड़ा ग्रहण दिखाई दे रहा है, भले अभी न दिखाई दे, 2019 में वो जरूर दिखाई देगा। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बैसाखी वहां पे बन के उभरे थे लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी के लिए एक जनाधार उनका था, उस पर आपको भी सत्ता में कहीं ना कहीं आने का एक मौका मिला, हालांकि निकल गया आपके हाथ से। कुल मिलाकर के राहुल गांधी जो कुछ देख रहे हैं लालू यादव के कन्विक्शन के बाद, आपको लगता है कि बिहार में आपके लिए भी स्थिति गंभीर हो जाएगी? नहीं नहीं, देखिए बिहार में कांग्रेस के लिए भी स्थिति गंभीर नहीं होगी और इवन राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी गंभीर नहीं होगी। कारण कि अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि इसका क्या असर पड़ेगा, हाल के दिनों में अभी आपने लालू जी के ट्वीट की चर्चा की, लालू जी जिस तरह से कहते हैं कि कई प्रकार की साजिश उनको फंसाने की हुई, तो हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर बम्बार्डमेंट किया, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर गया है कि कहीं इनको फ्रेम करने की कोशिश तो नहीं, नहीं तो न्यायालय को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अवधेश जी आप अपने समय में पूरी बात रख चुके हैं, सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ न्यायालय पर कैसे आप न्याय, सबसे पहले हमने क्या अपना स्टैंड लिया कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय का उसको हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन लालू जी के ट्वीट की जैसे आपने चर्चा की, लालू जी इस बात की ओर बार बार इशारा करते कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और जिस तरह से सीबीआई का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है अपने विरोधी नेताओं को फंसाने के लिए, ये तो पूरी देश की जनता देख रही है पिछले 3 साल में। जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, अगर लोगों में ये संदेश जाता है, अगर वहां की जनता में ये संदेश जाता है कि लालू जी को सबने मिलकर फ्रेम करवाया है, तो फिर उससे राष्ट्रीय जनता दल कमजोर नहीं होगी बल्कि और भी मजबूत बनकर उभरेगी, ये मैं कह रहा हूं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो देखिए इससे पहले भी जब महागठबंधन हुआ था तो कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकत्रित हुई थी, उसमें नीतीश जी भी थे। तो भ्रष्टाचार की बात हम नहीं, नहीं बिल्कुल, तो वहां महागठबंधन का एक जो तरीका था वो ये था कि आपसी सद्भाव का जो एक वातावरण पूरे देश में बिगाड़ने की साजिश रची गई थी उसको दूर करने के लिए बिहार से एक प्रत्युत्तर मिले, और उसमें कांग्रेस राजद और जदयू ने मिलकर बहुत अच्छा प्रत्युत्तर भी दिया कि जितने भी प्रोपेगेंडा थे वो फेल हुए और वहां उनकी पराजय भी हुई। अब अनैतिक तरीके से कोई जनादेश का अपमान करके चला जाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर अपना पीठ थपथपाने लगे, तो ये उनकी विशेषता है कि पहले तो रातों रात कुछ होता था, वहां तो कुछ मिनटों में हो गया, तो आप समझ लें कि वो साजिश कितनी गहरी होगी। असर पड़ेगा आपके भविष्य पे कांग्रेस के, कोई असर नहीं पड़ेगा और राजद और कांग्रेस दोनों वहां पर और अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस जजमेंट के बाद भ्रष्टाचार में अगर वो फंसे हैं तो इससे ज्यादा वो मजबूत होगी, लालू मजबूत होंगे। हाँ, जिस परसेप्शन की बात हम लोग कर रहे थे कि अगर जनता में यह संदेश जाता है कि इनको जानबूझकर ये फंसाया जा रहा है, घोटाला, तो वैसी स्थिति में इसका लाभ होगा, करने से मजबूत मजबूती मिलेगी। नहीं, ये कांग्रेस का मानना है कि नहीं, नहीं, ऐसा है, ऐसा है, भ्रष्टाचार करने से, भ्रष्टाचार करने से तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, 16,000 गुना उनका बढ़ जाता है आमदनी और उस पर कोई जांच भी नहीं बिठाई जाती है, व्यापम का पूरा घोटाला होता है, लोग मारे जाते हैं, कोई उस पर जांच भी नहीं बिठाई जाती है। सृजन का जो किंग पिन थे लालू पे आते हैं, सृजन घोटाला इतना बड़ा घोटाला है, जरा भाजपा से उनके बारे में भी राय पूछ लीजिए, उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर लगातार इनके उप मुख्यमंत्री साहब रहे, 1,000 करोड़ का सृजन घोटाले के ऊपर भी ये लोग जांच, रंजीत जी मिल गया डॉक्टर साहब दिलीप जी, एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ, देखिए चारा घोटाला भी अपने आप नहीं उभरा, जब इसको लेकर के लोग न्यायालय में गए तब चारा घोटाला की जांच शुरू हुई, तो जो कुछ भी ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको चाहिए कि अमित शाह के बेटे के खिलाफ, इनको चाहिए कि सुशील मोदी के खिलाफ ये कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके उसकी जांच की मांग करें, कोर्ट ऑर्डर करेगा। और व्यापम में तो मैं मानता भाजपा के जो मानव संसाधन मंत्री थे लक्ष्मी नारायण पांडे, वो 1.5 साल जेल में रह के बाहर निकले हैं, 2,000 से ज्यादा लोग जेल में अरेस्ट हो चुके हैं, सीबीआई कोर्ट के निगरानी में उसकी जांच कर रही, इसलिए ये गलत तथ्य ना दिया करें।
इस समय लालू प्रसाद यादव न्यायालय के दो फैसलों के बाद भ्रष्टाचारी साबित हो चुके हैं। कांग्रेस अगर उनकी रक्षा करती है तो कांग्रेस अपने राजनीतिक पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। चलिए 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 कांग्रेस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भारतीय वहां पे जो सियासत है, अब लालू प्रसाद यादव को सजा मिली है, भ्रष्टाचार में सजा मिली है, और वो जो बात कह रहे हैं कि उनको साजिश के तरह फंसाया गया है, और उनका हमला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर है इस वक्त उनका। कुल मिलाकर के यहाँ से अगर हम सियासत की बात करें, बिहार में सियासत की बात करें, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए वहाँ पे चीज़ें बेहतर होगी या वहाँ पे चीज़ें एक फिर से एक नए तरीके से वहाँ रीअलाइनमेंट होगा पॉलिटिकल फोर्स का? नहीं, भाजपा के लिए या जो स्वच्छ राजनीति करते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। मैं पीछे का भी विश्लेषण कर देता हूं कि जो वहां का जन समर्थन मिला था वो नीतीश कुमार के स्वच्छ छवि को मिला था, न कि लालू के भ्रष्टाचार को उस समय मिला था पिछला चुनाव में। चूंकि ये कांग्रेस बैसाखी तो ये बनाए थे नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार के छवि पर ही ये लोग सत्ता में आए थे, वहां मिला था नीतीश कुमार को समर्थन। आप पीछे देखेंगे तो उससे पीछे का चुनाव जब देखेंगे तो जब लालू लड़ रहे थे और भ्रष्टाचार का उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था तो उनको बिहार की जनता ने विपक्ष भी नहीं माना था, वो विपक्ष के लिए 24 सीट चाहिए था, 24 सीट भी नहीं दी थी, और बीजेपी की सरकार बनाई थी। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के लिए यहाँ से चीजें कितनी, वहां पे पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट आप देख रहे हैं बिहार में? पॉलिटिकल इनके लोग जब आप विश्लेषण, चूंकि अब मैं बिहार में रह रहा हूं और जिले में मैं नीचे घूम करके देख रहा हूं, मैं पंचायत में जा रहा हूं तो वहां मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि इनके लोग भी अब नीतीश कुमार से सट रहे हैं। लखीसराय के मंच पर इनके प्रहलाद यादव एक MLA हैं, नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। आज रामदेव राय तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के MLA नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं। तो ये हमको जो दिखाई पड़ रहा है कि इन कुनबों में टूट फूट जबरदस्त रूप से आगे होने जा रहे हैं, RJD में और RJD में भी और कांग्रेस में भी, आप वहां पे दोनों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि टूट फूट होंगे और बड़े पैमाने पर लोग वहां से हट कर करके स्वच्छ राजनीति करने वाले लोगों के साथ लोग जाना पसंद करेंगे। जनता का पसंद उपेंद्र जी, उपेंद्र जी राजनीति करने वाली पार्टी है। उपेंद्र जी इनको जरा यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा क्या ट्वीट करते हैं और क्या भाजपा के बारे में लिखते हैं, क्या कांग्रेस वाले, जरा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मसला है आपके बीजेपी को, मैं आता हूं जरा उपेंद्र प्रसाद जी के पास। उपेंद्र जी, बिहार के सियासत को आपने बहुत करीब से, खास करके लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, उस समय के सियासत को आपने अपने आंखों से वहां देखा है। ये तमाम लोग एक साथ होते थे, फिर अलग होते गए। आज जो स्थिति है उसमें जो ये परिवार है जिसको हम कहते हैं जनता परिवार, जिसमें टूट टूट के कई लोग निकले, जो समाजवादी कह लें या फिर उसको आप जो भी नाम देना चाहें, कुल मिलाकर के लालू यादव के लिए जो झटका है, इसके बाद बिहार में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होने की संभावना कितनी है और किस तरह की है? देखिए अभी जो है, अभी बिहार में किसी तरह का हमें लगता है रीअलाइनमेंट अभी फिलहाल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी 1.5 साल तक चुनाव भी नहीं होना है। तो चुनाव के पहले क्या होता है, शरद यादव RJD की तरफ रुख करेंगे? शरद यादव बिहार की पॉलिटिक्स के लिए जीरो हैं, सही बात है, वो बिहार की पॉलिटिक्स के कोई फैक्टर ही नहीं है। उनके कहीं जाने या न जाने से, लालू यादव के साथ चले भी जाएंगे तो लालू यादव का एक वोट नहीं बढ़ना है, लालू यादव के पास नहीं जाएंगे तो लालू यादव के एक वोट का नुकसान नहीं होना है, वो फैक्टर ही नहीं है उनका। बहुत है कि किसके साथ जुड़ करके वो MP बनते हैं, अपना पॉलिटिकल पोजीशन सेफ गार्ड करते हैं, ये उनका उनकी समस्या है, उनका गेन है या लॉस है। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी भी है कि इस समय रीअलाइनमेंट का फिलहाल कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी RJD के अंदर का जो क्राइसिस है वो क्या रूप लेता है वो अगले 6 महीने दिखाई। RJD में किस तरह की क्राइसिस आप देख रहे हैं? RJD में देखिए लीडरलेस हो गया है, लालू यादव के जाने के बाद RJD लीडरलेस हो गया है। तेजस्वी उसको नहीं संभाल पाते? तेजस्वी हैं, तेजस्वी संभाल सकते हैं, लेकिन उनके पास वो क्या राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि एक से एक घाघ लोग बैठे हुए हैं उसमें वो चिपक चिपक करके, कोई MLC बनने के लिए लटका हुआ है, कोई राज्यसभा सदस्य बनने के लिए लटका हुआ है। तो देखिए 2-3 महीने में जब दो राज्यसभा RJD भेज सकता है और 3 MLC को बना सकता है, तो ये 5 पद के लिए अभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब देखिएगा उनके जो घर पर उसी तरह मर जाएंगे जिस तरह एक मरे हुए लाश के ऊपर गिद्ध मर जाता है।
तो आप देखेंगे जो वरिष्ठ नेता है इसलिए एक शब्द नहीं बोलेंगे तेजस्वी के खिलाफ, क्योंकि सबको लगेगा कि हम एमएलसी बन जाए, एमपी बन जाए, या हम बहुत बड़े नेता हैं, एमएलसी नहीं बन सकते, अपने बेटे को एमएलसी बना दें। तब ये जो बड़े बड़े नेता हैं तो ये 3-4 महीने के बाद एक झटका लगेगा, उसमें जो निराश होंगे उनको लगेगा कुछ आने होने जाने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के लिए, रामविलास पासवान के लिए, इन लोगों के लिए कोई चीज अच्छी खबर है यहाँ से? नीतीश कुमार तो जरूर खुश होंगे, क्योंकि अगर आरजेडी में क्राइसिस होता है, बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है, तो उसका अल्टीमेट फायदा नीतीश कुमार को ही मिलेगा। नीतीश कुमार 80 MLA हैं, अगर बहुत बड़ा क्राइसिस होता है तो कोशिश करेंगे इसका 2/3 है वो अपने साथ ले लेंगे। अगर वो लोग अपने को नेतृत्वहीन महसूस करेंगे तो अपना पोजीशन को बचाने के लिए फिर नीतीश कुमार की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह से लालू यादव या लालू का परिवार, लालू यादव ने अपना पोजीशन बचाने के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, नहीं तो खत्म हो चुके थे भारतीय बिहार की राजनीति में, वो फिनिश्ड हो चुके थे। ही वाज ए गोन चैप्टर, ही वाज पॉलिटिकली डेड। लेकिन नीतीश कुमार के कारण दो बेटों को मंत्री बनाने में सफल हुए। उसी तरह से अपना पोजीशन को सेफ करने के लिए जो आरजेडी के एमएलए वगैरह हैं वो नीतीश कुमार की ओर मुड़ सकते हैं, अगर देखेंगे कि बिखराव हो रहा है। आप आरजेडी टूटते हुए देख रहे हैं? अभी तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होंगे 3-4 महीने के बाद, और अभी ये लोग इंतजार करेंगे कहीं लालू यादव जेल से बाहर न निकल जाए, कभी जमानत न मिल जाए, तो ये अगर जमानत से बाहर आ जाते हैं तब तो लालू यादव बचा लेंगे जी। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह इनको जमानत नहीं मिलती है, और इसमें हम लगता 3 महीना लगेगा, 3-4 महीने में अगर नहीं मिल रहा है तो 3-4 महीने में स्पष्ट हो जाएगा कि लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच विधान परिषद और राज्यसभा के लिए जो गिद्ध हैं वो मंडरा रहे हैं, लेकिन 5 गिद्धों को ही ज़्यादा संतुष्ट किया जा सकता है, उसे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। और फिर ये जो उनके दोनों बेटे हैं किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, किस तरह का इनका कम्युनिकेशन स्किल है लोगों के साथ, ये अभी तक टेस्टेड सब अनटेस्टेड है, तो स्थिति तो बहुत ही भयंकर है। अगर लालू यादव जेल से नहीं निकलते हैं जमानत पर तो हमें लगता है कि ये आरजेडी का भविष्य धीरे धीरे धूमिल होता चला जाएगा, लेकिन ये एक झटके में नहीं होगा, ये धीरे 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 इसका चरण होता जाएगा। लोग अगले अगले दो 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 पक्ष है दिलीप जी, एक और डेवलपमेंट आप आरजेडी में आज देखे होंगे कि आरजेडी के नेता को भी, लालू जी को भी ये लग गया है कि मेरा और मेरे परिवार का पूरा चेहरा दागदार हो गया है, तो सामने लाए हैं आज जगता बाबू को, जिनका एक स्वच्छ छवि है बिहार में और पूरे देश में। आज जगता बाबू को सामने ला कर करके वो भी सोचे कि हमसे अब ये नहीं होने वाला है, तो उनको लाने का कोशिश किया गया है। जबकि राज्यसभा में भेजा होता है तो मीसा भारती को भेजते हैं मंत्री बनाना, चलिए वो तो एक यही समस्या, जिस पर विश्वास करेंगे वही डुबा दे। अभी देखिए दो राज्यसभा का सदस्य है, उसमें जगता बाबू आएंगे कि रघुवंश बाबू आएंगे कि कौन तिवारी बाबू आएंगे, वो बहुत सारे बाबू लगे हुए हैं कि कैसे राज्यसभा में घुसा जाते, ये लोग अपना अपना इंटरेस्ट है। बीजेपी के लिए लालू यादव का जो बिहेवियर रहा अपने लोगों के साथ, उसके कारण कोई भी हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से खुश नहीं था, सत्ता रघुवंश बाबू भी खुश नहीं थे, कोई नहीं, गोयल साहब किनको अपमानित किया होगा, लालू यादव ने किस सिंह को, किस झा को, किस तिवारी को, किस पांडे को नहीं नाराज किया है, या किस यादव को नाराज नहीं किया? चलिए लौट के आता हूँ उपेन जी, जो गोयल साहब जो एक बीजेपी के लिए एनडीए के लिए वहां पे बहुत सारे एक बिना विपक्ष, लालू सबसे बड़े विपक्ष के वहां वहां से ही नहीं बल्कि दिल्ली के सरकार पे भी, मोदी के सरकार पे लगातार हमलावर होते थे, लालू के जेल जाने से आपको राहत महसूस हो रही होगी कम से कम? ये सियासत पहले भी हमें लालू जी से कोई परेशानी नहीं थी, आज भी लालू जी बाहर जेल में चले गए तब भी कोई परेशानी नहीं है, अपने वहां पर मुख्यमंत्री जी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट दे रही है, और मुझे नहीं लगता कि लालू जी के अंदर जाने से भारतीय जनता पार्टी को, उनके कमेंट से लालू जी को कोई परेशानी हो रही है। आज भी सीबीआई का वो हमेशा दावा करते रहे हैं कि सीबीआई का आरोप है, सीबीआई घेर रही है, कभी मिसी, अरे भाई आपने इतनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं कहाँ से बनाई हैं? आप ये देखिए इतने बड़े घोटाले के पैसे तो अभी तक इनसे लिए ही नहीं है, अभी 5 लाख की सिर्फ पेनल्टी डाली है इनके ऊपर, आप ये देखिए इतना पैसा जो इन्होंने घोटाला किया है, अभी तो उस पैसे का हिसाब भी सरकार नहीं ले रही है, सीबीआई सिर्फ जेल में डाल रही है, पूछ रही है, उसके लिए भी इनकी बेटी जाने के लिए तैयार नहीं है। लालू जी आज जेल में चले गए तो आज कहते हैं कि भाई साहब बीजेपी ये काम कर रही है, अरे भाई सीबीआई तो पुराने से काम करती आई है, आज से तो काम नहीं कर रहा है, ये तो पुरानी फाइल खुली हुई है जिसके ऊपर ये आरोप साबित हुआ है। चलिए अब देखिए 5 साल की सजा की उम्मीद कर रहे थे वो कम 3.5 साल के है, तो एक तो विकल्प है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही उनको
पेपर सारे कॉपी सजा की मिलेगी, फिर वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अपील कर लालू अगर अंदर रहते हैं तो, और अगर बाहर आते हैं तो इस सजा के बाद, कुल मिलाकर के अगर अभी अभी तो एक विपक्ष वहां पे जो मजबूत आवाज विपक्ष की तरफ से लालू यादव थे, कांग्रेस का कोई उतना मजबूत नेता नहीं है ना आवाज है वहां पे, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए और नीतीश कुमार के लिए खासतौर पर उनकी सरकार है वहां पे, कमजोर विपक्ष यानी कि लोग में फिर उनके लिए लोगों का लोगों को डील करना एक बड़ी चुनौती होगी जब लालू यादव नहीं रहेंगे तो। नहीं, ये तो चुनौती है ही है, क्योंकि बहुत सारे जो राजद के इस समय विधायक हैं या कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के तो कई विधायक हैं जिसको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से दिलवा के जिता के ले आए, तो उनकी सहानुभूति तो उनकी ओर है ही है, लेकिन कोई अपनी चूंकि विधायक ही नहीं खोना चाहेगा, लेकिन वो भविष्य के अपने राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है हमको आने वाले समय में फिर नीतीश कुमार के पास जाके टिकट मांगनी पड़े और करे। कांग्रेस राहुल गांधी अब क्या गठबंधन जारी रखेंगे? नहीं, राहुल गांधी तो गठबंधन जारी रखेंगे उसमें कहीं दो मत नहीं, क्योंकि बिहार में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय केवल नीतीश कुमार को बनाए रखती है और इन दोनों लोगों को रामविलास पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को त्यागती है, उसके बाद एक दूसरे प्रकार का गठबंधन हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा और डॉक्टर अरुण कुमार और रामविलास पासवान बने रहते हैं तो कांग्रेस के पास तो राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए वो तो वहां रहेंगे। कांग्रेस की बिहार में कोई हैसियत तो है नहीं, 4 सीट थी जो है 2010 के चुनाव में, 8.27% वोट था, वो तो नीतीश कुमार ने करके 40 सीटें दे दिया, 27 जीत गए, इसलिए कांग्रेस का तो बिहार में मतलब कांग्रेस एक नॉन एंटिटी है। मूल परिवर्तन यहां से आपको बिहार के सियासत में क्या दिखता है? मूल परिवर्तन पहले ही हो चुका है, बिहार की सियासत में मूल परिवर्तन इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अब आगे जो लालू की जगह खाली हुई है उसके एवज में राजनीति कैसे करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार भी सजा हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको उस प्रकार से भुनाने की कोशिश नहीं की, दोबारा उनको जब सजा हुई है तब भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी बहुत सामान्यतः बयान दे रही है कि एक अध्याय का हो गया, जिस ढंग से ये कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे उसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को बहुत बड़ा कार्यक्रम चला के इस भ्रष्टाचार की सच्चाई जनता के सामने ले जाना, उसको रखना, कि ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये इनके राज के समय में ही इन पर मुकदमा हुआ, आज न्यायालय ने फैसले में ये बात कही है, पहले फैसले में ये बात कही है, उसकी पूरी कॉपी निकाल करके जिला जिला में बांटे, प्रखंड में बांटे, करे तो लालू यादव क्या उस पार्टी का नाश हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है, इसलिए मुझे ये लगता है कि लालू अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो भले अगले चुनाव में, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले चुनाव में उनकी दुर्दशा होगी, वो बेहतर करने वाले नहीं है, फिर 2010-2005 की स्थिति उनकी रहेगी, लेकिन बावजूद इसके उनको खत्म राजनीति, लालू का एक मजबूत जनाधार है, लालू का जनाधार है 19-20% के करीब है, मजबूत है वो 2% का नहीं है, नहीं उससे सीटें नहीं बढ़ने वाली है, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप हमेशा वो जनाधार उनका 2005 में भी था, 2010 में भी था, 2009 में भी था, 2014 में भी था, उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा, उस मजबूत जनाधार का फायदा किसको मिलेगा? वहां देखिए 27-28% वोट चाहिए, मजबूत जनाधार का फायदा किसको मिलेगा जो लालू का आज जनाधार है? स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जो 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 उसमें भाजपा मिलेगा आपको, नीतीश कुमार मिलेगा, मिल पाएगा, हमारी पार्टी अवधेश जी तैयारी कर चुकी है इन कांग्रेस इनके सारी बातों को आपको लोगों के बीच ले जाने के लिए कि भ्रष्टाचार में नहीं ले जाने वाली आपकी पार्टी, जिन गरीबों का ये नाम लेते थे, मुर्गी चराने वाले, पशु चराने वाले, बकरी चराने वाले, उन लोगों का पैसा ये समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, उसी पर पैसा ये कांग्रेस तैयार है उस जनाधार का इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा है कि इनको आज नीतीश जी के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन इसी नीतीश जी का डीएनए खराब कर दिया था इनके शीर्ष नेता ने। समय बहुत कम है, 30 सेकंड में समय, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए पहले भी अच्छे अवसर थे और मुझे लगता अब भी अच्छे अवसर, ज्यादा अच्छे हो गए, जनाधार को मजबूत, लालू के जाने के बाद ज्यादा अच्छे असर हो गया, नहीं लालू जी का अपना जनाधार है उस पार्टी का, अब वो तो वहां पे लालू जी के जाने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा कम फायदा होगा? नहीं, लालू जी कहीं नहीं जा रहे हैं, लालू जी का जनाधार पहले भी था अब भी है,
और ये न्यायिक प्रक्रिया अभी देखिए आगे उनको जमानत चलिए चलिए हमारा समय खत्म हो गया है लेकिन 30 सेकंड में उपेंद्र जी 30 सेकंड में उपेंद्र जी भाजपा लालू के साथ कोई दूसरा है क्या भाजपा का भ्रष्टाचार का पर्याय है? एक सेकंड, लालू प्रसाद यादव एक मजबूत जनाधार के नेता है, उनका एक जनाधार आज भी है, वो 16 18 20 22 30 लेकिन उनमें एक मैं अलग अलग समय में गठबंधन करके उन्होंने चीजों को एक सेकंड तो उन्होंने बिहार के सियासत को जो नब्ज है वो लालू प्रसाद यादव जानते हैं, यहाँ से जो उनका जनाधार है उसका फायदा किसको मिलते हुए लालू जी को कभी लालू आरजेडी और मजबूत होगा या उनके जनाधार को कोई खा जाएगा? उनका जनाधार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा क्योंकि जनाधार जब तक आपको सीटें नहीं दिलाता है तब तक आपके साथ नहीं अटका रह सकता, वो धीरे धीरे खत्म होना है। मायावती के पास 22% वोट है लेकिन लोकसभा में एक को इस फैसले के बाद उनके वोटर पे आपको लगता है फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे पड़ेगा, एक नहीं पड़ेगा, पहले लोग जुड़ेंगे साथ में, जब हार जाएगा गोयल साहब उपेंद्र जी डॉक्टर साहब और हमारे रंजीत जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।